अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट आयशा उमर आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजे के स्नैक्स, जो एक ही डो से दोनों स्नैक्स आराम से तैयार हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। इसके लिए हम ले रहे हैं 3 कप मैदा, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 3 टेबल स्पून घी के ले रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। कप हम ले लिए मैदे के, नमक, अजवाइन और घी। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम गुनगुने पानी से इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। जी व्यूवर्स, हमारी डो रेडी हो गई है। हमने ये डो बनाई है आलू वाले समोसे और नमक पारों के लिए। डो को हमने घून लिया है, अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके ऊपर ऐसे फैला देंगे और इसको कवर करके हम तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे। जी व्यूवर्स, समोसा और नमक पारों की डो रेडी हो गई थी। हमने इसको रेस्ट करने के लिए तकरीबन 20 मिनट्स के रेस्ट के लिए हमने इसको रख दिया है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ये 2 आलू बॉईल करके रख लिए हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टीस्पून ये पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम गर्म मसाला, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून ये दादर मिर्च, सब्ज मिर्चें और धनिया लिया है। आप इसके स्पाइसेस अपने मुताबिक भी कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहले आलू को मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। जी, हमने आलू मैश कर लिए। अब हम इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, सब्ज मिर्चें, धनिया, जीरा, और जीरा हमने रोस्ट कर लिया था, लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी और नमक। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। जी व्यूवर्स, हमारे जो समोसे थे उनका मिक्सचर रेडी हो गया है। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये कितनी सॉफ्ट है। अब हम इसको इसमें से थोड़ा सा पहले दोबारा गूंथ लेंगे। जी, हमारी डो रेडी हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल के अब हम इसको हाफ कर लेंगे। डो आलू वाले समोसे और नमक पारों के लिए इतने हाफ हाफ कर लेंगे हम इस डो को। इस डो को हम साइड पे कर देंगे। पहले हम बनाने लगे हैं नमक पारे। इसका हम एक ऐसे पेड़ा बनाएंगे। ये पेड़ा हमारा रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा करेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और बेलन से हम इसको, जिस तरह आप आम रोटी बेलते हैं, इसको हम बेल देंगे। ये हमने जो पेड़ा लिया था उसको हमने बेल लिया है। अब हम, आप छुरी की मदद से भी इसको कर सकते हैं। आपने ऐसे इसमें लाइंस लगा देंगे, इसको कट कर देना। पहले इसको इस तरह से सीधी लाइंस में काट लेना, फिर इसको ऐसे टेढ़ी लाइंस में। ये देखिए, इस तरह से इस शेप में सारा आ जाएगा। और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे।
जी व्यूवर्स, ये देखिए हमने इसको नमक पारों को इस तरह से इस शेप में काट लिया था। अब हम हल्के गरम ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे और इसकी चूल्हे की आग कम रखनी है ताकि ये क्रिस्पी फ्राई हो और अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। जी व्यूवर्स, ये देखिए हमारे नमक पारे फ्राई हो गए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। हम इसको ओवन से निकाल लेंगे। आपको आवाज से पता चल रहा होगा ये कितने क्रिस्पी हैं। अब तो ज्यादा ही आवाज आई होगी आपको। ये देखिए हमारे नमक पारे बिल्कुल रेडी हैं। जी व्यूवर्स, नमक पारे हमारे होंगे रेडी। अब हम आते हैं अपने आलू वाले समोसों की तरफ। ये जो डो हमने हाफ वे के रखी थी, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हम हाथों को थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए हम इसके ऐसे पेड़े बना के रख लेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखिए हमने ऐसे पेड़े बना के रखे हैं। अब हम इनको पेड़ों को कवर कर देंगे और एक पेड़ा हमने लिया है, हम इसको ऐसे ही जैसे हमने पहले मैदा लिया था थोड़ा सा, हम इसके लिए भी ऐसे ही मैदा लेंगे। जिस तरह से आप आम घर में रोटी बनाते हैं, आप इसको बिल्कुल वैसे ही गोल बेल लें। हमने देखे इसको ऐसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम इसको बीच में से हाफ कर देंगे, इसको उठा के हम साइड पे कर लेंगे। अब हम इसके हर तरफ पानी लगा लेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा। इसे पानी लगाने के बाद इसको हमने यहां से त्रिकोण शेप में बना लेना है ऐसे। इसको हम ऐसे बंद करेंगे और फिर इसके अंदर हम अपनी फिलिंग डाल देंगे। देखिए ऐसे हम इसको फिल कर देंगे समोसे को। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं और इसमें आप जो चीज आपको पसंद हो फिलिंग में, आप उसके मुताबिक इसको और चीजें भी इसमें ऐड भी कर सकते हैं। के बाद हम इसको यहां से ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारा आलू वाले समोसे की फिलिंग रेडी है। जी व्यूअर्स, समोसों की फिलिंग हमने कर ली है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। जिस तरह हमें नमक पारे हल्की आग पे फ्राई किए थे ताकि वो क्रिस्पी हो, इसी तरह हम आलू वाले समोसों को भी हल्की आग पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे। अक्सर होता है तेज आग पर फ्राई करने से अंदर से मैदा जो सा होता है वो कच्चा रह जाता है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको सर्व कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो चाय स्पेशल में हमने आपके लिए दोपहर की चाय के लिए बहुत ही मजे के दो स्नैक्स बनाने सिखाए हैं, जिसमें है आलू वाले समोसे और नमक पारे। अपनी दोपहर की चाय को और भी मजेदार बनाइए इन स्नैक्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।